हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप, जहां होता है आपका बॉलीवुड से डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि यहां मैं आपको बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की चटपटी खबरों से रूबरू कराती हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत मसालेदार खबरों के साथ। आप लोगों से एक फंडा शेयर करूं, हमारे जिंदगी का हर दिन होना चाहिए एकदम खास। जब हम सुबह उठें तो हमें बस ये कहना चाहिए कि आज का दिन है एकदम खास, और फिर बस ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी होगी एकदम खास, क्योंकि सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी सोच पर। तो इसी बात पर चलिए करते हैं शुरुआत हमारे इस खास खबर की। बॉलीवुड में डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर प्रीति जिंटा जमाने की टॉप एक्ट्रेस में से एक रही हैं। प्रीति ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। अपनी प्यारी सी मुस्कान और अपने चुलबुले अंदाज से प्रीति ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें कि प्रीति जिंटा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1998 में फिल्म दिल से की थी। इस फिल्म के अलावा प्रीति ने कोई मिल गया, चोरी चोरी चुपके चुपके, कल हो ना हो, वीर जारा जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आई, और हर फिल्म में प्रीति ने दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया। चुलबुली मिजाज की प्रीति ने अपने दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड हो या उनके फैंस, सबके दिल में कभी ना भूलने वाली इमेज बनाई। फिल्मों के अलावा प्रीति अपने लव अफेयर्स को लेकर भी चर्चा में रही हैं, लेकिन आखिर में उनके जीवन में हम सफर बनकर आए अमेरिका के बिजनेसमैन जैन गुडीना। प्रीति और जैन की कहानी एकदम फिल्मी है। दोनों ने एक दूसरे को एक साल तक डेट किया और फिर शादी कर ली। हालांकि जैन प्रीति से 10 साल छोटे हैं, लेकिन दोनों ने प्यार के आगे उम्र की परवाह नहीं की। प्रीति की शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं और ऐसे में फैंस प्रीति से खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 40 साल की प्रीति को फैंस माँ बनते देखना चाहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि प्रीति माँ बन चुकी हैं। जी हाँ, वो भी एक या दो नहीं बल्कि 34 बेटियों की माँ बन चुकी हैं। ये बात सुनकर आपको झटका जरूर लगा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल प्रीति ने शादी से पहले ही ऋषिकेश से 34 बेटियों को गोद लिया था। इन बच्चियों को भले ही प्रीति ने गोद लिया है, लेकिन वो इनसे सगी माँ की तरह प्यार करती हैं। देखिए, कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यही वजह है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। समय गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय जरूर होता है। तो गड़बड़ समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है, लेकिन फिलहाल रुद्राक्ष को ऐसा लग रहा है कि उसका समय बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि एक तरफ एक उम्मीद की किरण मिली थी कि सरान शायद जिंदा है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन चिंता मत कीजिए, अंत में सब भला ही होगा। अपने सारांश को ढूंढते ढूंढते देखिए रुद्राक्ष ने किसे ढूंढ निकाला, अपने भाभी और बहन मिश्का को। अब जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें सारांश नहीं रहा, ऐसा सीरियल में दिखाया गया है। अब सारांश तो नहीं रहा, लेकिन भाई उसी गाड़ी में तो मिश्का भी थी ना, वो कैसे बच गई? खैर, ये सवाल तो रुद्राक्ष ने भी पूछे थे और उसकी भाभी ने सारे सवालों के जवाब दिए, और मिश्का ने कहा कि सारांश अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये सारा किया धरा कबीर का ही है। अब जाकर भी रुद्राक्ष को मिश्का की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, और वो यकीन करेगा भी कैसे? सीरियल्स के राइटर को वो अच्छे से जानता है, आज नहीं तो कल वो सारांश को लौटाएंगे ही। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग तमाम आंखों में आंसू देकर चल बसे। देखा जाए तो दिलीप कुमार के बिना हिंदी सिनेमा का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। फिल्म इंडस्ट्री का एक मजबूत खंभा रहे हैं दिलीप कुमार। मुगले आजम, नया दौर, देवदास, राम और श्याम जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय सम्राट बना दिया। जितनी बातें दिलीप साहब की फिल्मों की होती है, उतनी ही कहानियां निजी जिंदगी की भी है। मधुबाला, कामिनी कौशल, वैजंती माला जैसी हीरोइंस के साथ उनके रोमांस के चर्चे खूब रहे, लेकिन शादी उन्होंने सायरा बानो से रचाई। साल 1966 में जब दिलीप कुमार ने खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी की तो जमाना चौंक गया। सायरा बानो अपने दौर की ब्यूटी क्वीन कहलाती थी। दोनों का मिजाज अलग था, अंदाज अलग था, उम्र का फासला दुगना था, लेकिन जब साथ हुए तो प्यार बेपनाह हुआ। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ियों में से एक है दिलीप और सायरा की जोड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिलीप अपनी पत्नी सायरा के बिना कहीं नजर आए। दिलीप कुमार और सायरा की कहानी एकदम फिल्मी है। सायरा चाहती किसी और को थी, लेकिन उन्होंने शादी किसी और से की। 60 के दशक में दिलीप साहब सायरा के शौहर बने।
सीरियल्स में ड्रामा तो देखने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ मेलोड्रामा भी बहुत होता है। अब अगर बात करें शर्लिन की, तो भाई वो है ही ड्रामा क्वीन। अभी गोद भराई वाला ड्रामा चल ही रहा था और फिर पता चला कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो उसने और नया ड्रामा शुरू कर दिया। आइए देखते हैं क्या है शर्लिन का ये नया ड्रामा। लोथरा परिवार में खुशी का माहौल चल रहा था, हालांकि ये खुशी शर्लिन के लिए दिखावा था। जहां पर गोद भराई में ये पता चला है कि प्रीता ने उसके खिलाफ कोई नया गेम प्लान कर रखा है। जी हाँ, तोहफे में दिया हुआ हार, इसमें कैमरा लगा है, यानी कि शर्लिन और पृथ्वी की जो जो बातें होंगी वो सब इस हार में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब सोचिए कि खलनायिका को इस बात का पता चलेगा तो वो कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगी ना। फिर क्या, उसने ड्रामा किया और देखिए ड्रामा ऐसे हिट हुआ कि वो सीधे अस्पताल आ गई। घर वाले तो इसी चक्कर में है कि बेचारी शर्लिन को कुछ हो ना जाए, लेकिन उन्हें क्या पता कि शर्लिन को कुछ नहीं होगा। उसको कुछ करने से पहले भगवान भी 100 बार सोचेंगे कि कुछ करें या ना। हमेशा की तरह इस बार भी पृथ्वी और शर्लिन आगे निकल जाएंगे, लेकिन प्रीता, समीर और सृष्टि का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी सीरियल तो सालों चलने वाला है। कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़े बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सी, हर खबर मिलेगी बॉलीवुड गपशप पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।